अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप कि आप सब ठीक होंगे नवंबर आ गया है और सर्दी भी बढ़ती जा रही है यहाँ थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को हेलोविन सेलिब्रेट करते हैं वैसे तो औरजिनली ये रिलीजस इवेंट है लेकिन आजकल ये रिलीजस की बजाय ज़्यादा जो है वो कल्चरल फेस्टिवल बन गया है ओबियसली हम हेलोविन नहीं सेलिब्रेट करते बिकॉज ऑफ रिलीजियस परस्पेक्टिव पर ओबियसली हम रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों के फेस्टिवल्स का दूसरे कल्चर दूसरे रिलीजन्स के फेस्टिवल्स का इवेंट्स का जैसे दूसरे लोग हमारी ईद का या हमारे रमदान का रिस्पेक्ट करते हैं जो मिथ है हेलोविन के पीछे वो ये है कि बैड स्परेट्स विचेज और गोस्ट्स वग़ैरह दुनिया में आती हैं और फिर यहाँ से लोगों को लेकर जाती हैं एनी वे स्कूल में कॉस्ट्यूम वग़ैरह पहन के गाइजिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे हम बताते हैं साथ साथ कि ये हमारे रिलीजस इवेंट्स नहीं हैं पर हम आ, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको स्कूल वग़ैरह में सेलिब्रेट कर सकते हैं तो एनी वे बस अब मैं और मेरा बेटा हम बाहर जा रहे हैं डिफरेंट डेकोरेशंस देखने जो कि लोगों ने अपने विंडोज में सजाई हैं तो चले आए हम देखते हैं इकट्ठे आमतौर पे लोगों ने विचेस स्कैलेटन्स या पंपकिंस के साथ डेकोरेट किया होता है अपने घरों को बच्चों के लिए और फन एक्टिविटी जो होती है इस इवेंट पे वो होती है ट्रिक एंड ट्रीट वो ये होता है कि बच्चे डोर टू डोर हर घर जाते हैं अपने नेबरहुड में और फिर जब घर वाले जो होते हैं वो बच्चों को ट्रीट्स देते हैं स्वीट्स कैंडीज चॉकलेट्स जो कुछ भी होता है वो बच्चों को देते हैं और अगर ना दें बच्चों ने डराना होता है कि हम कोई ना कोई ट्रिक करेंगे और दो कुछ ट्रिक नहीं करते लेकिन जस्ट अ नेम ऑफ द एक्टिविटी सो मेरे बड़े बेटे ने एज ए स्केलेटन ड्रेसअप किया था वो स्कूल से वापस आए हैं और एक आया है और टू एक्साइटेड है बिकॉज उसकी टीचर ने सब बच्चों को हेलोविन ट्रीट्स और स्मॉल गिफ्ट्स जो हैं वो दिए हैं बस अब हम बैठ के जो है वो ट्रीट्स खोल रहे हैं जो स्कूल से टीचर ने दी हैं स्कूल के अलावा हम हमारे सामने वाले जो नेक्स्ट स्टोर हैं उन्होंने भी मेरे दोनों बच्चों को स्वीट्स दी हैं ट्रीट्स दी हैं आर जस्ट बिंग नाइस उल्दों के उनके अपने बच्चे तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं सो so, बच्चे तो खूब इन्जॉय करते हैं क्योंकि उन्हें क्योंकि उन्हें लौस ऑफ ट्रीट्स मिलती हैं अब ट्रीट्स हम काउंट करें और हम सॉर्ट आउट करें कि कौन कौन सी हम खा सकते हैं कौन कौन सी हम नहीं खा सकते क्योंकि सब स्वीट्स जो हैं वो हलाल नहीं हैं सो हमने हलाल वन को सॉर्ट आउट करना है और जो हलाल नहीं है उन्हें हमें अनफॉर्चुनेटली फेंकना पड़ेगा और अब हमें मोर ट्रीट्स मिली हैं ये स्कूल से और इसके अलावा मोर नेबर्स ने दी हैं सो so, बच्चों की तो हो गई है खूब मुझे क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने तो खानी नहीं है सो so, सारी की सारी बड़े वाले की हो गई है और जो बड़े को नहीं पसंद आई है तो मामा और पापा ले लेंगे <laughs> चलें जब हम खोलते हैं बोल हमारा नियरली फुल है अगेन अब हमने इनको दोबारा सॉर्ट आउट करना है बिकॉज अगेन हलाल और जो हलाल नहीं है उनको हमने सॉर्ट आउट करना है हाफ uh, से ज़्यादा जो है वो तो हमारी सेफ़ है हलाल है हम खा सकते हैं अनफॉर्चुनेटली बाकी हम नहीं खा सकें और जो स्कूल से मिली थी वो सारी के सारे हलाल थी क्योंकि मेरे बेटे की टीचर को पता है कि आ, जो क्लास में मुस्लिम बच्चे हैं और ओबियसली उन्हें हलाल चाहिए तो आई आई थिंक टीचर ने उस हिसाब से ही देख के बाय की होंगी अच्छा जी फ्यू डेज के बाद एन अदर जो है वो सेलिब्रेशन है और वो है गाई फॉक्स नाइट वन फायर नाइट अगैन वी नॉट गेट हमने सिर्फ विंडो में से खड़े होके फायर वर्क को देखना है पटाखों को देखना है और बस खुश होना है औरिजिनली ये भी रिलीजियस डिस्प्यूट वगैरह से ही रिलेटेड है स्टोरी लेकिन अब ये मोर कल्चरल है मोर मोर ट्रेडिशनल है एज जस्ट एक सेलिब्रेशन है रदर दैन के ये लोग एज आ रिलीजियस इवेंट सेलिब्रेट करें

तो मेरे पप्पू जो है वो माशाल्लाह बहुत लाइफली पर्सन हैं तो कह रही कह रही कहने लगी कि भाई मेरे साथ लूडो खेलो आप तो हर वक्त क्या बोर से रहते हो तो हम मैंने कहा चलें ठीक है जी खेलते हैं लूडो वैसे तो आई थिंक आप लोग जज कर ही चुके होंगे कि लूडो किसने जीती होगी ओबियसली जिसका ज्यादा इंथोजियाज्म होगा जो ज़्यादा इंथोजियास्टिक होगा वही जीतेगा ना पर एनी वे मैं अंदर जा चुकी हूँ और मेरी फूफो अभी भी एक भी नहीं खुली है उनकी <laughs> पर वो हार मानने वाली नहीं है चाहे वो अभी पीछे हैं लेकिन फिर भी वो कह रही है मैंने खेलना है और वो भी शर्त लगा के खेलना है तो चले देखें अब उन्होंने शर्त क्या लगाई है देखते हैं भाई अच्छा जी बैट के है फिर बैठ फिल्ड फिशोम चलें ठीक है सही है और अगर वो ना मिला फिर ना मिला तो फिर फिर हम पिज्जा हट पिज्जा पिज्जा चले ठीक है एक चलेगी चलो एक तो चलेगी सब आप देख सकते हैं कि कहाँ अब कोई भी नहीं खुली थी और मेरी एक अंदर भी चली गई थी और अब आप देख लें कि हम दोनों की एक एक रह गई पर वो कहते हैं ना कि जिसको ज़्यादा शौक होता है और जो ज़्यादा जोश से खेलते हैं वही जीतता हैं और फिर यही हुआ और फूफो विन कर गए और अब आप देख लें सो एक्साइटेड और तकरीबन वन वीक के बाद अब हम फूफो की बैट को पूरा करने जा रहे हैं हम um, मैकडोनल्ड्स तो जा नहीं सके क्योंकि मेरे छोटे बेटे को पिज़्ज़ा पसंद है तो हमने सोचा फूफो ने दोनों में से एक चीज़ कहा था तो चले हम पिज़्ज़ा लेके आते हैं सब बेटा भी खुश हो जाएगा फूफो भी खुश हो जाएंगी और हमें जब भी पिज़्ज़ा चाहिए होता है हम सिर्फ शाहिद से जाते हैं क्योंकि शाहिद इज़ द बेस्ट इन ईस्टर्न फिशर फॉर देसी पिज़्ज़ा अलहमद लाप इतना मज़े का था सो ओके व्यूअर्स ये तो था मेरा आज का व्लॉग आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आप लोगों ने इंजॉय किया होगा इन ताला एक फिर नए व्लॉक के साथ दोबारा मिलोंगे तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह अल्लाफ